आलू एक ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद आता है। आज हम आलू की एक चटपटी सी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही सिंपल, क्विक और इस सर्दी के मौसम में बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी होगा। हालांकि आप इसे कोई भी मौसम में इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं अदरक की आलू। हेलो दोस्तों, सॉल्ट एंड टर्मरिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और उसमें मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है, पर आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तेल को थोड़ा गर्म होने के लिए वेट करूँगी और उसमें डालूँगी तेज़पत्ता, ये सूखी लाल मिर्च थोड़ा हाथ से तोड़ के डाल दूँगी, और जीरा और अजवाइन थोड़ा ज़्यादा करके मैं डालूँगी। अब ये है अदरक। अदरक को इसी तरह से छोटा छोटा काटिए, इसको घिसना नहीं है, पीसना नहीं है, पर इसको इसी तरह से छोटा छोटा क्यूब्स में काट के आपको तेल में डालना है और इसको गोल्डन होने तक पकाना है। इसे ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, गोल्डन होने तक पकाना है। आपको पेस्ट नहीं डालना है क्योंकि उसमें अदरक का अरोमा बिल्कुल चला जाता है और इसका क्रंच रह जाएगा अगर आप छोटा छोटा पीसेस काटेंगे तो। अभी तेल ही में हम डाल देंगे कच्चे हरी मिर्च और ये रेड चिल्ली पाउडर, मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाला और हल्दी का पाउडर डाला। तेल में डालने से इसका कलर बिल्कुल उभर के आएगा। अभी देखिए, मैंने ये आलू को उबले हुए रखे हुए थे तो मैं वो काट के अभी इसमें डाल दी। गरम गरम आलू मत डालिएगा, नहीं तो वो बिल्कुल मतलब मैश होने के चांसेस है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद काट के डालिए। और आलू डालने के बाद हम इसको काफ़ी देर तक भूनने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम आलू डालेंगे उसके बाद हमारा फ्लेम बिल्कुल हाई हो जाना चाहिए, इसको मीडियम या लो बिल्कुल नहीं करना है, इसको हाई फ्लेम में ही पकाते रहना है। थोड़ी देर के लिए आप रखेंगे, फ्राई होने देंगे, फिर उसको चलाएंगे, फिर रखेंगे, इसी तरह से हमें इसको पकाते रहना है हाई फ्लेम में। और देखिए, जहाँ पे अदरक डाल रहे हैं ना उसके साथ काफ़ी सारा हींग डालिएगा। मेरा हींग ना ख़त्म हो गया था तो मैंने वो इसका डब्बा धो के मैंने डाला था। तो थोड़ा बहुत एक या दो चिमटा चीनी डाल दीजिए। क्या होता है, सभी मसालों के साथ ये टेस्ट बिल्कुल बैलेंस करने का काम करता है, और ऊपर से क्योंकि हम इसे हाई फ्लेम में पका रहे हैं तो ये कैरमलाइज हो जाता है। बहुत ही स्लाइट एक कैरमल का स्मेल ये मसालों के साथ आता है, बहुत मज़ेदार होता है। अब ये देखिए, ये है भाजा मसाला। ये भाजा मसाले का रेसिपी जहाँ पे है मैं वो ऊपर में लिंक डाल दूँगी, वहाँ पे इसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये हम भाजा मसाला डाल देंगे, इसका अरोमा बहुत बहुत अच्छा आता है, इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आता है। फिर उसके बाद हम काफ़ी सारा धनिए का पत्ता एकदम काट काट के डाल देंगे। अब देखिए, अब तक हमारा आलू बहुत अच्छे से ऊपर से फ्राई हो गया, थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है, थोड़ा सा अच्छे से ब्राउन हो गया है ऊपर से। अब देखिए, ये जो हम कोरिएंडर लीव्स डाले हैं ना, उसके बाद हमें फ्लेम थोड़ा सा कम कर देना है, नहीं तो ये जो कोरिएंडर की लीव है वो जलने के चांसेस है। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, ये देखिए। तो हमारा अदरक की आलू बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार, कितना लाजवाब, एकदम देखने से ही एकदम खाने का मन कर रहा है, क्यों है ना। तो देखिए, इसे आप ऐसे ही चाट की तरह टूथपिक से उठा उठा के खा सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा नींबू या मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर थोड़ा छिड़का सकते हैं, नहीं तो आप इसे गर्मा गर्म दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए घर पे, ये बिल्कुल सूटेबल है इस सर्दी के मौसम के लिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए गए लाइक बटन को बिल्कुल दबा दीजिएगा। मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।